आपने अब तक कई प्रकार की सेवाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन मंदसौर के युवाओं ने अनूठी सेवा का जिम्मा उठाया है, जो मानसिक विक्षिप्त जनों के प्रति अपना व्यवहार और विचार बदलने की प्रेरणा देता है। साथ ही ये युवा ऐसे लोगों के जीवन को बदलने का भी कार्य कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हम सब ने अपने क्षेत्र, शहर, गाँव में कहीं ना कहीं किसी मानसिक विक्षिप्त को देखा होगा। उसके गंदे बदबूदार कपड़े देखकर उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया होगा, साथ ही उसकी मनोस्थिति या परेशानी, तकलीफ को अंदर से जानने की कोशिश भी नहीं की होगी, तो मदद तो दूर की बात। लेकिन मंदसौर शहर के कुछ जुनूनी युवाओं ने मानव सेवा परमो धर्म को चरितार्थ कर मानव सेवा का जिम्मा उठाया है। इन युवाओं ने ऐसे ही एक व्यक्ति को अपने आसपास पाया। समाज सेवा की इच्छा शक्ति ने मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को उसके दयनीय हाल से उठाकर सबसे पहले उसे अपने हाथों से नहलाया, फिर उसके नाखून, हेयर कट और दाढ़ी बनवाई, ताकि वो व्यक्ति भी आम व्यक्ति की तरह दिख सके। धीरे धीरे वह असामान्य दिखने वाला व्यक्ति हमारी और आपकी तरह दिखने लगा, मानो वह नव जीवन पाकर खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है। आइए अब आपको उन युवाओं से मिलाते हैं जिन्होंने इस अनूठे कार्य से पीड़ितों के जीवन में बदलाव की एक नई अलख जगाई है। आज हमें शुक्ला चौक में करीबन 2 साल हो गए हैं। एक व्यक्ति इसी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित है और वो अपने जीवन यापन कर रहा था, घूम रहा था, तो वो क्या बहुत गंदी तरीके से बाल बड़े हो गए और नाखून बहुत बड़े, गंदी वाला पूरी तरीके से उस तरीके से रहता था। तो आज मन में विचार आया कि नहीं, आज इसको नीला धुला कर पूरा नए कपड़े पहना के व्यवस्थित इसको एक इंसान मानव से, मतलब मानव जिस तरीके से रहता है उस तरीके से अपन उसको रहने सिखाएं। और आज हमारे पूरे युवा साथी थे, सभी सबने मिलकर ये काम किया। हमने तेल लाए, कंघा लाए, बाल्टी लाए, मग्गा लाए और पानी वगैरह की व्यवस्था करके शैम्पू वगैरह, सरफ, साबुन सब लाए और उसको नए कपड़े भी लेकर आए, जर्किन दिलाया, टोपा है, जूते की भी व्यवस्था करवाई उसकी, और इन सब से उसको बिल्कुल नीला धुला के साफ़ सुथरा करके और बिल्कुल उसको एक अच्छा इंसान बना के और हमने उसको वापस छोड़ा है, उसे नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया है और काफी अच्छा लगा है हमें। गौरतलब है कि यह युवा दल अब तक 4 ऐसे मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों को इस अनूठे कार्य सेवा से बदल चुका है। साथ ही स्वयं जिनको बदला गया उन्होंने भी अपने अंदर एक बदलाव की अनुभूति की है। एमपी न्यूज भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस प्रकार से किसी भी इंसान को आक्रोशित निगाहों से या भेदभाव के नजरिए से देखने की बजाय उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। यकीन मानिए, अच्छा लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, मंदसौर।